सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी की सच्ची खबरों में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों के मानदेय की वृद्धि अगले महीने होने वाली है। बहनों, 1 जुलाई 2024 से आप लोगों के मानदेय में वार्षिक वृद्धि के तौर पे 1000 रुपये की जो है कि मानदेय वृद्धि होगी। और यह बात चल रही है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर शासन के द्वारा खुद यह आदेश दिया गया था। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा पिछले वर्ष 1 जुलाई 2023 को एक आदेश राज्यपाल के आदेशानुसार जारी किया गया था, जिसके पॉइंट नंबर 2 में यह चीज़ सीधे तरीके से लिखी उनके आदेश वाले लेटर में कि जब 1 जुलाई 2023 को 3000 रुपये का मानदेय इस वर्ष बढ़ा था, अब उसके बाद हर 1 जुलाई में, मतलब हर वर्ष की 1 जुलाई को वार्षिक वृद्धि के तौर पर अगले वर्षों में 1000 रुपये जो है कि मानदेय आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का बढ़ेगा। और साथ ही साथ जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं बहनें हैं तथा सहायिकाएं बहनें हैं, इनके मानदेय में 500 रुपये की वृद्धि होगी। तो पहले हम वह लेटर देखते हैं। देखिए बहनों, यह लेटर है मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के तौर से, जहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया था। आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की तरफ से यह जो है कि आदेश जारी किया गया था। इसमें देखिए, पहले नंबर पे पॉइंट पे था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में राशि 3000 रुपये प्रतिमाह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय में 750 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि जो है 1 जुलाई 2023 से प्रदान की जाती है। मानदेय वृद्धि माह 2 जुलाई का जो मानदेय है अगस्त 2023 में देय से लागू होगा। यह पिछले वर्ष का आदेश था जिसमें 3000 रुपये मानदेय बढ़ा था। अब अपने काम की जो चीज़ है वो है पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि 1000 रुपये वार्षिक वृद्धि तथा आंगनबाड़ी सहायिकाएँ तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में राशि 500 रुपये की जो है कि वार्षिक वृद्धि आगामी वर्ष से प्रदान की जाती है। मतलब कि आने वाले, अब 2023 में यह लेटर जारी था, मतलब 1 जुलाई 2024, फिर इसी तरह 1 जुलाई 2025, 1 जुलाई 2026, मतलब कि हर वार्षिक वृद्धि में 1000 रुपये हर जुलाई में बढ़ाने की जो है बात खुद सरकार ने की थी अपने इस आदेश में। और यह आदेश तुरंत 1 जुलाई 2023 से प्रभावी ढंग से लागू भी हुआ था। यहाँ पे एक और भी चीज़ थी कि 62 वर्ष की आयु पे रिटायरमेंट होने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त 1,25,000 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिका या मिनी कार्यकर्ताओं को एक मुश्त 1,00,000 रुपये भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है। मतलब 1 जुलाई 2023 के बाद से जितनी भी कार्यकर्ताएँ रिटायर हुई या अब आगे रिटायर होंगी, तो उनको 1,25,000 रुपये मिलेगा उनके सेवानिवृत्ति पे, रिटायरमेंट पे। और मिनी बहनें और सहायिकाओं को 1,00,000 रुपये रिटायरमेंट पे मिलेगा। और यह चीज़ भी 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई थी। आप देख सकते हैं कि यह आदेश दिनांक 1 जुलाई 2023 से प्रभावशील होगा। आप देख भी सकते हैं कि यह जारी किसके द्वारा किया गया था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा राज्यपाल के आदेशानुसार, अजय कटेसरिया, उप सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग। तो राज्यपाल के आदेशानुसार यह जो है कि लेटर जारी हुआ था, आदेश जारी हुआ था आंगनबाड़ी बहनों के लिए, जिसमें साफ तौर से उनको लिखा गया है कि अब हर एक जुलाई को 1000 रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी। अब अगर अगले महीने में 1 जुलाई को 1000 की वार्षिक वृद्धि करती है सरकार, तो अभी मध्य प्रदेश में जो मानदेय है वह 13000 रुपये है, तो वह चीज़ बढ़ के 14000 रुपये हो जाएगी। और हरियाणा के साथ साथ मध्य प्रदेश भी 14000 मानदेय देने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। और इसी के साथ साथ सहायिकाओं और मिनी बहनों के मानदेय जितना मिलता है उसमें भी 500 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अब देखना यह है बहनों कि सरकार अपने किए गए वादे पे, जारी किए गए आदेश पे खरी उतरती है और क्या आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाती है अगले महीने की नहीं। साथ ही साथ आंगनबाड़ी एकता सहायिका कार्यकर्ता है एकता यूनियन संघ सीटू के द्वारा यह भी बोला गया है कि सरकार ने अगर बोला है तो मानदेय बढ़ाए, क्योंकि अगर 1 जुलाई को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि, वार्षिक वृद्धि नहीं हुई,
तो वह एक बड़ा आंदोलन भी करेंगी या फिर धरना प्रदर्शन करके सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। बहनों, इस मामले में आपका जो भी कहना है आप कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक बहनों जरूर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें बहनों, ताकि आने वाली आंगनबाड़ी की हर खबर आपको समय पे मिलती रहे, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यह खबरें जाएँ। इसी के साथ बहनों, आंगनबाड़ी की मुख्य मानदेय की अन्य खबरों में भी हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहनों, नमस्कार।